साइक्लोन बिपरजॉय का भयानक रूप गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में देखने मिल रहा है, जहां तेज हवाएं, जहां ऊंची लहरें देखने मिल रही हैं। इस बीच पश्चिम रेलवे साइक्लोन बिपरजॉय से लड़ने के लिए तैयार है। मैं फिलहाल मुंबई के चर्चगेट के वेस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर्स में हूं और यहां पे वॉर रूम बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई सारी रेलवे जो अधिकारी हैं वो सारे यहां पे मौजूद हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार साइक्लोन बिपरजॉय का जो गति है, तेजी से वो जो गुजरात के तरफ बढ़ रहा है या फिर कराची की तरफ बढ़ रहा है, वहां पे उनकी पूरी नजर है और इसी कारण से पूरी टीम यहां पे बैठी है। और ये सिर्फ आज ही की तस्वीर नहीं है, दो तीन दिन लगातार साइक्लोन बिपरजॉय पे नजर रखे हुए हैं पश्चिम रेलवे के सभी अधिकारी। इस बीच अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर जी हैं, उनसे जानते हैं जिस तरीके से सर ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है काफी भयानक रूप अभी लेते नजर आ रहा है, कुछ ही घंटों में लैंडफॉल होने की बात सामने आ रही है, जहां पे कई सारे जो शहर हैं गुजरात के जिले हैं वो तबाही का सामना कर सकते हैं। इस बीच पश्चिम रेलवे किस तरह से तैयार है, क्या रेलवे कौन सी रद्द कर दी गई हैं, कितने रेलवे को डिले कर दिया गया है, किस तरह से तैयार है पश्चिम रेलवे? बिल्कुल, जो साइक्लोन बिपरजॉय है उसकी आज शाम को संभावना बताई जा रही है लैंडफॉल की, और इससे सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके जो गुजरात के हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे, ऐसी संभावना बताई जा रही है। 24/7 जैसा आपने बताया, हम लोग अपने वॉर रूम के थ्रू इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम्स जो हैं, जो हमारे डिविजन्स में जो मोस्ट अफेक्टेड डिविजन्स हैं, जैसे कि आपका राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, गांधीधाम, इन इलाकों में भी हमने डिजास्टर कंट्रोल रूम बनाए हैं। साथ ही साथ हमारे जो ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स थे, जो मोस्ट अफेक्टेड कोस्टल इलाके के जो स्टेशंस हैं, ओखा, पोरबंदर, मोरबी, गांधीधाम, इन जगहों पे, वेरावल, इन जगहों पे उनको नियुक्त किया गया और उसकी भी हम लोग डिजिटली निगरानी रख रहे हैं। आज सुबह भी हमारे महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक मीटिंग कन्वीन की गई थी और विथ ऑल द कंसर्न ऑफिसर, जिसमें इनकी तैयारियों का जायजा लिया गया। हम वेस्टर्न रेलवे पूरी तरह से तैयार है और हमारे फील्ड में जो मैन एंड मटेरियल होते हैं उसको हमने सफिशेंट नंबर में डिप्लॉय कर दिया है। 2500 के आसपास हमारे लेबर फोर्सेस वहाँ पे तैनात हैं, अलॉन्ग विथ जो हमारे आरपीएफ के जवान हैं वो भी फील्ड में तैनात हैं। अल्टरनेट अरेंजमेंट, जो जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क फेल करने की संभावना है बताई जा रही है, तो ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, अन्य मूवमेंट को, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमने इमरसेट फोन या VHF फोन की भी अरेंजमेंट करके रखा है। DG सेट्स हमने वहाँ अरेंज करके रखा है कि अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन फेल करता तो व्यवस्था की जा सके। डीजल लोकोज हमने, जिसमें सफिशेंट डीजल क्वांटिटी भर के अलॉन्ग विद सम कोचिंग रिक्स वहां रखा है कि इन केस ऑफ एनी इवैक्यूएशन इसे इस्तेमाल लगाया जा सकता है। पैसेंजर, जैसे आपने पूछा कि जो चूंकि हवाएं काफी तेज है, स्पीड अब काफी बढ़ गई है, तो पैसेंजर ट्रेन्स तो हमने उन इलाकों में कम्प्लीटली कैंसिल कर दी है। 76 पैसेंजर ट्रेन्स हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दी है, 36 ट्रेन्स हमने शॉर्ट टर्मिनेट किया तथा 31 शॉर्ट ऑरिजिनेट की है। टोटल सर्विसेज की बात की जाए, कुछ मीटर गेज का भी वहाँ ट्रैक है, 295 सर्विसेज जो है अब तक या तो कैंसिल, शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ऑरिजिनेट हुई है। और गुड्स ट्रेन के भी मूवमेंट को हमने कोस्टल इलाकों की तरफ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसा मख्याली, पोरबंदर या फिर राजकोट ओखा या राजकोट वेरावल के जो सेक्शन है, यहाँ पे मूवमेंट को भी बंद करके रखा हुआ है। जो स्टेशन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं खतरे में है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, वहाँ पे कई सारे स्टेशन के मेन इंचार्ज रूम्स होते हैं, तो क्या उनके लिए क्या सुविधा रखी गई है, क्या कौन सी एहतियातन बरती जा रही है उन चीजों को, जैसे हानि ना हो? बिल्कुल, जो चूंकि हवा की रफ्तार काफी तेज रहने की संभावना बताई जा रही है, तो OHE ट्रांसमिशन लाइन के फेल्योर के केस में हमने DG सेट्स वहाँ पे स्टेशन पे ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। डीजल लोकोज इसलिए से स्पेशली रखे हैं कि मूवमेंट अगर कुछ इवैक्यूएशन की जरूरत पड़े तो वहाँ कर सके। जो हमारे रेक्स हैं, मोस्टली रेक्स को हमने इन्वॉर्ड अंडर शिफ्ट करके सिक्योर कर लिया है, 2-3 कोचिंग रेक्स वहाँ रखे हैं जिससे कि इनकेस ऑफ एनी इवैक्यूएशन हम मदद कर उसकी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ जो स्टेट की मशीनरी है उसके साथ हम लोग कंटिन्यूसली टच में है, NDRF SDRF के साथ टच में है। हमने अपने तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है जो रेलवे के कम्यूटर्स हैं, जो रेलवे के वर्कर्स हैं, उनके लिए कि क्लोज्ड स्पेस में रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेडिकल की भी हमने व्यवस्था करके रखी है फील्ड में। हमारे जो फील्ड में जो मेडिकल यूनिट्स होते हैं, जो डिविजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसको हमने इक्विप किया है विथ बेड्स एंड जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, फर्स्ट एड किट की, स्नेक बाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक चीज़ का अंदेशा हमने देखते हुए इसको काम किया है। एक और ऐड करना चाहूँगा, जैसे चूंकि ट्री फॉल की संभावना बताई जाती है, एक्सेस रेनफॉल के केस में वॉशआउट की संभावना बताई जाती है, तो उसके लिए भी हम मद्देनजर हमने सॉ कटिंग मशीन, ट्री कटिंग मशीन एक्स्ट्रा रखा है। साथ ही साथ बॉक्स एंड वैगन्स में रबल्स, क्वेरी डस्ट, बोल्डर्स इत्यादि भर के रखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी उसको मोबिलाइज किया जा सके। मैं देख सकती हूँ सर यहाँ पे बड़ी स्क्रीन रखी गई है, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आपने मॉनिटरिंग की है और क्या आपको देख रहा है?
बिल्कुल, हमारे आप देखेंगे 10 के आसपास जो ऑफिसर्स हैं वो कंटिन्यूसली इस साइक्लोन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। पूरे हर एक डिपार्टमेंट के यहाँ ऑफिसर्स हैं जो 24/7 ये 2400 घंटे काम कर रहा है। रात में भी ये कंट्रोल रूम हमारा काम कर रहा है। साइक्लोन की पोजीशन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, इसका मूवमेंट क्या है, जो डिविजनल कंट्रोल्स हैं उनसे हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ है। कुछ भी कोई भी जरूरत होती है, कोई मोबिलाइजेशन एक्स्ट्रा मैन पावर मूवमेंट की, एक्स्ट्रा रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, इमीडिएटली हम लोग गाइड कर लें। और इसकी एक प्रॉपर लॉगिंग भी हो रही है वहाँ पे हमारे डेली मिनट टू मिनट क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या लैंडफॉल होने की संभावना है, क्योंकि इसको हम लोग देखते हुए कुछ रियल टाइम डिसीजन जो हमें लेना है ट्रेन मूवमेंट के रिगार्डिंग, इवैक्यूएशन के रिगार्डिंग, या अपनी कंटिजेंसी प्लान हमको रिवैम्प करना है, तो हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि कई सारे अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, टाइम टू टाइम नोट कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर मैं देख सकती हूँ कि आप यहाँ पे फिलहाल आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको, कब तक जो है ये साइक्लोन लैंडफॉल होगा, गुजरात में हावी होगा? जैसे कि हम देख पा रहे हैं लगभग शाम को 5:30 बजे तक लैंडफॉल होना चाहिए जी। और हम पल पल की परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। जो हमारे स्टाफ तैनात हैं विभिन्न लोकेशनों पर, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, और संचार के लिए हमने सैटेलाइट फ़ोन की व्यवस्था भी की हुई है, जिससे कि हम किसी भी खराब स्थिति में हम बातचीत कर पाएँ उन लोगों से, और यहाँ से जो हम मुख्यालय से जो भी मदद हो सकती है वो हम उनको दे पाएंगे। आप कह रहे हैं कि 5:30 बजे के करीब होगा, तो कौन से इलाकों में होगा, कौन से इलाके खतरे में? जी, ये गुजरात का जो कच्छ का एरिया है, मुंद्रा पोर्ट, कांदला पोर्ट, ये ज़्यादा प्रभावित रहेगा। लेकिन जो नीचे ओखा और सोमनाथ विरावल है, यहाँ पर हवा की गति तेज रहने की संभावनाएं हैं। हमारे सभी लोकेशन जो हैं, भावनगर डिवीज़न, राजकोट डिवीज़न और अहमदाबाद डिवीज़न की जो पोस्ट हैं, वहाँ पर सभी जगह हमने अधिकारियों को और कर्मचारियों को तैनात किया हुआ है किसी भी खराब परिस्थिति से जल्दी निपटने के लिए। कुछ देर पहले आप बताया थे कि रेलवे ट्रैक्स के एक पॉइंट तक ही सीमित हैं आपके, जहाँ पे आपका ज्यूरिडिक्शन है, डिवीजन है, तो वो कहाँ तक है, क्या बताना चाहेंगे, कौन से ट्रैक्स कहाँ तक? आखिरी जो हमारा स्टेशन है नलिया स्टेशन है, जो इसके सेंटर पाथ जो जा रहा है, उस पाथ को प्रिडिक्शन जो है वो उसमें हम देख पा रहे हैं कि वो नलिया स्टेशन के काफ़ी दूर से निकलेगा। लेकिन जो उसका जो विंड का प्रेशर है वो तो पूरे कच्छ और इलाके में है, सौराष्ट्र के इलाके में है, उसका प्रभाव रहेगा। पर जो मेन जो प्रभावित उनका पाथ रहेगा, उससे हम लोग थोड़ा सा बचे हुए हैं। जैसे कि आपने सुना कि पश्चिम रेलवे यहाँ पे पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से CPRO सुमित जी ने हमें जानकारी दी कि पल पल पर नजर रखी जा रही है, हर एक ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, और अगर ऐसा दिख जाता है कि कोई रेलवे ट्रैक उस साइक्लोन बिपरजॉय के एरिया में आता है, इलाके में आता है, तो तुरंत कौन सी ट्रेन रद्द करनी है, कौन सी ट्रेन को रोकना है, किस तरह से लोगों को चेतावनी देनी है, किस तरह से कर्मचारियों को बताना है, और इसी तरह से पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वहां पे वॉर रूम बनाया गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी जो है काम पूरी तरह से शुरू है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं, और इस कुछ ही घंटों में ये देखने को मिलेगा, एक भयानक रूप देखने मिल सकता है, जो कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का हो सकता है। इसी कारण से पश्चिम रेलवे यहां पे तैयार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुप कुमार के साथ मैं लता शर्मा, ABP News, मुंबई।